मस्जिद की जमीन अल्लाह की है और शरीयत के मुताबिक ये किसी को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद केस का फैसला कबूल नहीं करते। भारतीय मुसलमानों ने नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने की हिमायत और मस्जिद के लिए मुतबादल जमीन कबूल करने की मुखालफत कर दी है। बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी ने लखनऊ में बोर्ड के इजलास के बाद मीडिया को बताया कि मस्जिद की जमीन अल्लाह की है और शरीयत के मुताबिक ये जमीन किसी को नहीं दी जा सकती। इससे कबल जमीरे उलमाए हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला किया है। जमीते उलमाए इस्लाम हिंद के सरबरा मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला वकला और माहरीन से तवील मुशावरत के बाद किया है।